अस्सलाम वालेकुम। स्प्रेडशीट में हम चार्ट किस तरह बना सकते हैं और उस चार्ट को हम एक डेटा के जरिए पॉपुलेट किस तरह कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं आता हूँ, ये शेप वर्सेस सेल्स का मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, मैं दोबारा आपके लिए बनाता हूँ। इंसर्ट में आऊँगा और चार्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये एक एम्प्टी चार्ट आ गया मेरे सामने। अब मैं इसको यहाँ पर ये देखें, राइट हैंड साइड पर चार्ट एडिटर के अंदर ये सिलेक्ट डेटा रेंज आ रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। आप याद रखिएगा कि शेप्स को मैं लेना चाह रहा हूँ। शेप यहाँ पर आ गई, पहला कॉलम मैं लेता हूँ ये टॉप सेल्स, मैंने हेडर को इंक्लूड किया हुआ है और ये तीन रोज ले ली। फिर उसके बाद एड अनदर रेंज किया मैंने शेप, और इसको राउंड को मैंने सिलेक्ट कर लिया और ओके प्रेस कर दिया मैंने। अब यहाँ पर ये नज़र आ रहा है हमें, लेकिन यहाँ नीचे हमें डेटा नज़र नहीं आ रहा। तो ये नीचे जो है वो शेप्स हैं, रेक्टेंगल की सबसे ज़्यादा सेल है, उसके बाद मल्टी शेप की थोड़ी बहुत और राउंड की तो बहुत ही कम है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये सेल्स नज़र आ रही है हमें। अब ये टेबल का जो टाइटल है वो सेट कर लेते हैं हम, शेप शेप्स वर्सेस सेल्स। ये चार्ट बना हुआ है और मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और अपने हिसाब से पोजीशन कर लेता हूँ। तो ये आपका चार्ट बन गया है, टाइटल भी आ गया उसमें, और आपने जो है आप इस डेटा को किसी को आप दिखाते हैं तो ये आपके लिए तो बहुत अच्छा है और काफ़ी काम भी आएगा, कंपटीशन चेक करने के लिए, डिमांड चेक करने के लिए, गैप ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन इस तरह की टेबल जो है इन्वेस्टर को बहुत पसंद आते हैं, तो कोशिश करें कि अच्छी प्रेजेंटेशन करें। $100 के बजाय मतलब $200 किस तरह कमा लेंगे उसी काम से, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके। तो विश यू ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।